6 इंच बेल्ट के, तो हम यहाँ पे 1 इंच नेपे के लिए दबा देंगे, आधा इंच यहाँ पे सिलाई में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी 5 या 6 साल की बेबी की ड्रेस। तो हम कुर्ती और सलवार बनाएंगे, ये बहुत ही सुंदर और प्यारी ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो कुर्ती का नाप लिया है उसकी लंबाई है 23, यानी कि 23 लंबाई है, और चेस्ट है वो भी 23 है, बाजू है वो 9 इंच की है यानी कि 9, और सलवार की लंबाई है वो है 27। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुर्ती निकालनी है। ये कपड़ा लिया है वो 2.5 मीटर है। तो देखिए, कुर्ती के लिए हमें कपड़े को डबल करना है, ये डबल है। अब यहां से हम लंबाई लेंगे, तो जैसे हमारी लंबाई है 23, तो हम 2 इंच ज्यादा लेंगे, 25 ले लेंगे, यानी कि 25 लंबाई ले रहे हैं। कपड़े की लंबाई हमने 25 ली है। अब कपड़े की चौड़ाई लेंगे हम 15 इंच, 15 इंच चौड़ाई ली है हमने, और इसको डबल कर देंगे। अब यहां से हम शोल्डर लेंगे, तो 5 इंच के शोल्डर लेंगे, आरोमन वो भी 5 इंच, और यहाँ पे पहले हमें चौकुटा निशान बनाना है। इसके बाद इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच और गोलाई का शेप, ये हो गया हमारा गोलाई। अब जैसे हमारी चेस्ट है 23, यानी 23 चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे फिटिंग का। अब जैसे हम यहाँ पे खुला रखना चाहते हैं 14 इंच, यहाँ से 14 इंच लंबाई लेंगे और यहाँ से हम कट लगा देंगे, तो ये होगी हमारी हिप। तो हमने यहाँ पे 6 लिया है और यहाँ पे लेंगे हम 6.5, और इसको देखिए हम इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे जिससे हमारा यहाँ पे कमर आ जाएगा, तो ये हमारा कमर का शेप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे गुंजाइश लेनी है, तो 1-1 इंच हम यहाँ पे गुंजाइश रखेंगे जो सिलाई के लिए। अब आरूमल की कटिंग यहां से बराबर कर लेंगे, और ये हमारी, अब यहां से हम खुला रखेंगे तो कैंची का कट लगा देंगे। यहां तक हमें सिलाई लगानी है और यहां पे हम चाक बनाएंगे। पीछे का गला हम डोरी वाला बनाएंगे, तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे वो 2 इंच की लेंगे, गले की लंबाई 4 इंच, और इसमें हमें पहले चौकुटा निशान, उसके बाद गोलाई का छेद। ये हमारा पीछे का गला है। आगे का गला हम बुकरम का बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा पीछे का हो गया, और ये आगे का पल्लर। अब हमें बाजू निकालनी है,
जैसे हम बाजू 3-4 रखेंगे तो हमारी लंबाई है बाजू की वो 9 इंच है, तो हम 1 इंच ज्यादा लेंगे तो हमने 10 लंबाई ले ली है कपड़े की, और इसकी चौड़ाई हमें 12 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे चौड़ाई कपड़े की ली है वो 12 इंच की ली है, लंबाई है वो 10 इंच की है। हम इसको डबल कर लेंगे। हम यहाँ पे जो खुली वाली साइड है यहाँ पे 2 इंच लेंगे लंबाई, और इसको हम बाजू की कटिंग इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग का निशान हो गया। ऊपर की साइड ले जाएंगे यहाँ से इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मोरी का निशान लगा लेंगे। तो जैसे हमारी 8 इंच की मोरी है तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको हम इस तरीके से ऊपर की साइड। अभी हो गई हमारी बाजू की मोरी की कटिंग। अब निकालेंगे हम सलवार। अब ये कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम सलवार बनाएंगे। अब देखिए जैसे हमारी 27 लंबाई है तो हम यहाँ पे जो नीचे की लंबाई लेंगे वो 22 इंच की लेंगे। 5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। देखिए यहां से हमें 22 इंच लेना है लंबाई, और ये ऊपर का कपड़ा हम काट लेंगे बेल्ट के लिए। अब देखिए हमने ये कपड़े को डबल किया है, यानी कि हमारे 4 पल्लर हैं। ये कपड़ा है ये देखिए डबल कपड़ा है, और एक बार और हम इसको डबल करेंगे। अब यहाँ पे जो बंद वाली साइड है यहाँ पे लगाएंगे हम मोरी का निशान। तो देखिए जैसे हमें अपनी मोरी छोटी बनानी है तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 5 इंच पे हम यहाँ पे मोरी का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे आसन का निशान। देखिए यहाँ पे हमने मोरी का निशान लगा लिया 5 इंच पे। अब यहाँ पे आसन का, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वो 8 इंच पे लगाएंगे आसन का इस तरीके से। 2 इंच पहले लेंगे एक सीधा, 2 इंच इस तरीके से लेना हमें सीधा। उसके बाद हम इसमें गोलाई का इस तरीके से शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब 8 इंच हमने यहाँ पे आसन लिया है, और 5 इंच की हमारी बेल्ट लग जाएगी। बेल्ट रहेगी हमारी 5 इंच की, 8 इंच का आसन है, तो एक इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा, आधा इंच यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 इंच रह जाएगा और 5 इंच बेल्ट। तो हमारा पूरा आसन 12 इंच का हो जाएगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पे 5 इंच की मोरी का निशान लगाया है, और यहाँ पे 8 इंच का आसन, और 2 इंच हमने इस तरीके से लिया है यहाँ पे 2 इंच, और इसमें हमने गोलाई का शेप देते हुए ये हो गई हमारी कटिंग। यहाँ पे हम ये इस तरीके से कटिंग कर लेंगे दोनों को अलग। ये देखिए कितना सिंपल है सलवार कटिंग करना, और इसी तरीके से हम बड़ी सलवार भी काट सकते हैं। तो ये हमारा घेर रहेगा।
तरीके से रख के और ये हमारी दूसरी साइड, ये हमारा आसन है, ये हमारी मौरी है। अब ये देखिए, ये हमारा आसन है और ये हमारी मौरी है। और इसी तरीके से दूसरा पल्लर है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे आसन में। पहले हमें अपनी मौरी की सिलाई लगानी है बुकरम लगा के, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे आसन तलक, यहाँ तलक हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से तैयार करेंगे, पहले बुकरम लगाएंगे उसके बाद आसन को जोड़ देंगे। पहले हमें यहाँ पे बुकरम लगानी है, फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है, फिर हम ये दोनों को आसन को जोड़ देंगे यहाँ से। उसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, और बेल्ट हम अलग अलग भी लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो अलग अलग भी बेल्ट लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये बेल्ट है, तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, हमें इसकी चौड़ाई कम रखनी है। इसकी चौड़ाई हमने 18 इंच की ली है, जैसे अपनी कमर है उससे हमें 4 या 5 इंच ज्यादा लेना है। ये हमारी बेल्ट हो गई, लंबाई है 6.5 इंच बेल्ट की। तो हम यहाँ पे 1 इंच नेफे के लिए दबा देंगे, आधा इंच यहाँ पे सिलाई में, तो हमारी 5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए हमने ये बुकरम ली है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और लंबाई है वो भी 4.5 इंच। अब बुकरम को हम डबल करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2 इंच की लेंगे, गले की लंबाई 4 इंच। अब हमें यहाँ पे पहले एक चौकटा निशान बनाना है, उसके बाद यहाँ पे गले क्या इस तरीके से आधा आधा इंच यहाँ पे रखेंगे बुकरम को। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल करके यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे। अब ये दोनों कटों को हम बराबर मिलाएंगे। अब यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। अब बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे कैंची के कट लगा दो। अब इसको अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा दें। अभी हमारा आगे का है, अब पीछे का गला ही हमने काट लिया जो आपको कटिंग में बताया है।
अब इसके लिए एक चौगुटा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए। अब इसमें हम आगे का पल्ला जोड़ देंगे। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम फिटिंग की सिलाई। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है कपड़ा, तो हम यहाँ पे 1-1 इंच पे इस तरीके से दबा देंगे, यहाँ तक ही दबाना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे 1-1 इंच पे। अब हम चाक बनाएंगे, तो यहाँ से हमें इसे इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच कपड़े को रखेंगे चाक के लिए और बाकी ये कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें इसको इस तरीके से करना है। अभी हमने चाक बना लिए। अब नीचे की साइड गोलाई की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा खुलने से काटना है, 1/2 इंच बराबर करके।
देखिए ये हमारे चाक बन के तैयार हैं। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब पहले हम मोरी पे सिलाई लगाएंगे। अब बाजू को जोड़ेंगे तो पहले हम इसके ऊपर रख के नाप लेंगे। देखिए बाजू की चौड़ाई बराबर है। अब बाजू लगाएंगे। अब बाजू लगाने के बाद हम अपनी मोरी की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें जो ये हमारा फिटिंग का सिलाई है उसमें इस तरीके से जोड़ना है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगा लेंगे। अब हम ये पीछे वाला जो गला है इस पर तपाई कर लेंगे अंदर की साइड दबा के। देखिए गले को इस तरीके से अंदर की साइड दबाएंगे। अब देखिए हमने ये तुरपाई कर ली है।
ये हमारा आगे का गला है और ये पीछे का है। अब हम सलवार बनाएंगे। सलवार की मोरी है तो पहले हमें इसमें बुकरम लगानी है। अब देखिए हमारी बुकरम की चौड़ाई है 2 इंच। इसको दबाते हुए पहले हमें सिलाई लगानी है। अब इसको डबल करके मोरी को सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम मोरी का 5 इंच पे और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारा ये आसन है। अभी यहाँ तक आसन है, यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बुकरम लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने मोरी पे सिलाई लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आसन है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम मोरी बनाएंगे और यहीं तक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हमने मोरी बना ली है और ये सिलाई लगा ली है और यहाँ तक ये हमारा आसन है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से, ये बीच की जो सिलाई है और इसको ये बीच की सिलाई, इस तरीके से हम ये आसन पर सिलाई लगा देंगे। दोनों को इस तरीके से जोड़ना है। अब देखिए ये आसन है,
ये हमारा आसन है, हमने जोड़ लिया है और ये दोनों साइड का घेर है। तो देखिए जो पीछे की साइड हम चुन्नट डालते हुए आएंगे, तो पीछे की साइड हमें इस तरीके से चुन्नट डाल देंगे। तो पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे, ये बेल्ट है। तो पहले हमें नेफा बनाना है, तो पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको डबल करके यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे। इसको हम पीछे की साइड रखेंगे, ये हमारा पीछे की साइड रहेगा। और इसको तरीके से डबल करके यहाँ पे भी निशान लगाएंगे हम। देखिए ये पीछे क्या है, तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और ये आसन है, तो ये दोनों तरफ आगे पीछे एक जैसा है। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे बेल्ट को, जो पीछे का है यहाँ से। अब देखिए आप, हम इसमें छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे एक एक इंच की इस तरीके से। अब देखिए दूसरी साइड चुन्नट का मुंह इस तरीके से करेंगे। देखिए हमारी ये चुन्नटें डल गई हैं। देखिए ये हमारा पीछे की साइड है, तो पीछे की साइड हमारी ये चुन्नटें डली हुई हैं और ये आगे की साइड है। तो ये हमारी बेल्ट वाली सलवार बन के तैयार है पटियाला, और ये हमारी कुर्ती है।